हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गजानिया प्लांट केयर पर। गजानिया विंटर का सीजनल प्लांट होता है और ये मार्च तक अच्छे से इंडिया में चल जाता है। इसे विंटर की फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। जितनी इसके ऊपर धूप पड़ेगी ये उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये अपने रूट लेवल से न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो करता रहता है। इसे आप 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। एक पॉट में एक प्लांट लगा हो तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके फ्लावर्स दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, जो रेड, वाइट, येलो, पर्पल, ऑरेंज, क्रीम और मिक्स कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं। मेरे पास जो ये गजानिया का प्लांट है इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं और ये एकदम सिंपल फ्लावर्स आते हैं। इनमें कोई भी लाइनिंग नहीं है। जो भी गजानिया के फ्लावर्स आते हैं उनमें अदर फ्लावर्स में लाइनिंग होती है और ये बिल्कुल प्लेन है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। जब सनराइज होता है तो इसके फ्लावर्स खिल जाते हैं और जब सनसेट होता है तो इसके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है गजानिया रिंगेंस और ये एस्ट्रेसी फैमिली का प्लांट है। ये स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथर्न अफ्रीका का नेटिव प्लांट है और अभी प्रेजेंट टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में ग्रो किया जा रहा है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर है। और जिन जिन कंट्रीज़ में अभी विंटर का टाइम चल रहा है वहाँ वहाँ ये ग्रो किया जा रहा है। गजानिया की वर्ल्ड में 18 स्पीसीज़ हैं। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है विंटर का और इसे फुल डे की सनलाइट बहुत अच्छी लगती है और डायरेक्ट सनलाइट इसे बहुत अच्छी लगती है। और इसे आप ऐसी सोइल में ग्रो करें जिसमें पानी ठहरा हुआ ना रहे, और जैसे ही आप पानी दें तो थोड़े ही टाइम में यानी 2 से 4 दिन में ये पानी ड्राई भी हो जाए। ऐसी सोइल में से आप ग्रो करें। आप 40% सोइल लें, 20% आप सैंड लें और 20% आप लें वर्मी कंपोस्ट और 20% आप लें नीम खली। ऐसी पॉटिंग मिक्स आप तैयार करके ये प्लांट आप लगा सकते हैं और इसमें आपको पानी बहुत ही कम देना है और ये कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। ये ऐसा हार्डी प्लांट है तो इसकी सॉइल है वो मस्ट रहनी चाहिए और आप इसमें 10-10 दिन में पानी दे सकते हैं। नहीं तो आप देख लें इसकी सॉइल अगर ड्राई फील हो तो ही इसमें पानी दें, नहीं तो आप इसमें पानी ना दें। अगर आपके पास में कोई भी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इसे ओनली सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसे ओनली बालू मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। गजानिया लगातार फ्लावरिंग करने वाला विंटर का प्लांट होता है और इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत रहती है, तो आप इसमें 10-10 दिनों में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे आप इसमें बोन मील दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, सीवीड दे सकते हैं जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा हो, आप वो दे सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। आप 10-10 दिनों में इसमें अच्छी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिसमें इसे बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। गजानिया प्लांट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्लांट पूरा दिन ये धूप में रहना चाहिए तब ये फ्लावरिंग करेगा और तभी इसमें फर्टिलाइज़र काम करेगी। अगर ये शेड में रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और ये ग्रोथ तो करेगा लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए आप इसे पूरा पूरा दिन डायरेक्ट धूप में रखें विंटर में। आपको विंटर में अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें एक काम ज़रूर करना है, आप देख लें कि इसकी सॉइल जब ड्राई हो तभी इसमें पानी दें और अगर इसकी सॉइल ड्राई नहीं हो तो आप इसमें पानी ना दें। अगर प्लांट की नीड नहीं है पानी की तो आप इसमें पानी ना दें। लेकिन एक काम आपको और करना है, इस बोतल के अंदर है सिर्फ पानी, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है मैंने, लेकिन ये पानी आपको डेली स्प्रे करना होगा अपने प्लांट्स पर। ताकि इसका फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके बस इतना स्प्रे करना है डेली आपको, ताकि आपके प्लांट पूरे लश ग्रीन बने रहें और डेली जैसे आप इसको नहलाएंगे तो ये काफ़ी हेल्दी रहेगा। इसी तरह से ही हम हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम नहला देते हैं। एक आपको शावर देनी है डेली। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को नहला सकते हैं डेली। गजानिया में इंसेक्ट्स का अटैक काफ़ी होता है, इसलिए आप इसे 15-20 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें जिससे इसमें इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे। और अगर इंसेक्ट्स लग भी जाएं तो आप 1 लीटर पानी लें और 5 ml आपको लेना है नीम ऑयल, तो उनको मिक्स करके आपको 2 दिन तक लगातार
स्प्रे करना है प्लांट के ऊपर, तो इसमें जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो सारे किल हो जाएंगे। आजकल नीम ऑयल के अंदर इमल्सन मिक्स आता है, यानी जो पहले आप शैम्पू यूज़ करते थे नीम ऑयल के अंदर, वो अब शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमल्सन मिक्स आता है आजकल। तो इसलिए आप नीम ऑयल का स्प्रे डायरेक्ट कर सकते हैं पानी के साथ। गजानिया प्लांट में एक काम आपको और करना है, आपको हर महीने इसमें फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करना है, या फिर आप सोइल के ऊपर 1/4 चम्मच छोटा चम्मच इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं सोइल के ऊपर, तो इसमें फंगस एक्टिव नहीं होगा और आपका प्लांट ग्रीन रहेगा। और ये जब तक विंटर है आपके पास ग्रीन रहेगा और खूब फ्लावरिंग करेगा। तो गजानियम आपको ध्यान रखना है पानी का, टेम्परेचर का, अच्छी सॉइल का, फर्टिलाइज़र का, नीम ऑयल का, फंगीसाइड का, तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और ग्रीन बना रहेगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।